we have discussed the basic concepts of hyperconjugation. Of course, सवाल करना अभी भी बाकी है, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि आपको मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा सवाल करना. इससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन बारे में कुछ बातें और मैं आपसे बात करता हूं. जैसे एक बेंजीन रिंग पर मैं CH3 ज्वाइन कर देता हूं. अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, जो भी बच्चा इसका उत्तर बताना चाहे वो माइक अपने हाथ में ले ले. ओके, टेल मी इन विच कंडीशन मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. यू हैव गॉट फोर स्ट्रक्चर्स, टेल मी इन विच स्ट्रक्चर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. ओके, इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस, दिस इज वन, दिस इज टू, देन थ्री एंड देन फोर. सो इफ यू हैव गॉट द माइक यू कैन स्पीक आउट द आंसर. फर्स्ट लास्ट वाला, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? जीरो. हाँ, दैट इज बेसिकली करेक्ट, मतलब एकदम सही आंसर है. लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन जीरो है और फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है, दैट इज थ्री. देखो बेटा, कल भी मैंने आपको बोला है ये बात, या नहीं बोली हो तो अभी बोल देता हूं. ये डबल बॉन्ड आप यू मार्क कर ले और इससे जुड़े हुए कार्बन देखें. यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको तीन अल्फा कार्बन दिखेंगे, एक ये और एक ये. बट और एक एक हिडन हाइड्रोजन दिखेगा यहां पर, सब दूर एक एक हिडन हाइड्रोजन होता है. एक हिडन यहां हो गया, एक हिडन यहां हो गया और एक हिडन हाइड्रोजन यहां हो गया. बट द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विच इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड विल नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज दिस बॉन्ड इज रिलेटिवली मजबूत बॉन्ड. इट इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और इसके कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इधर से यदि आपने ये बॉन्ड इधर गिरा दिया तो एक मल्टीपल बॉन्ड इधर है, एक मल्टीपल बॉन्ड इधर है, तो ये एलीन का केस हो गया. एकदम डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए, दिस इज नॉट स्टेबल कंडीशन. इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा एटलीस्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन. जैसे टॉटोमेरिज्म में आपने देखा था वैसे इधर भी आप देखें, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन. Similarly, this is not going to participate in hyperconjugation. As you have said it very correctly, this is then the alpha hydrogen which is sp3 hybridized bearing three hydrogens. Therefore, it has maximum number of alpha hydrogens. So, total number of structures, total number of hydrogen CH bond that will participate in hyperconjugation are three. Teen CH bond hyperconjugation will participate करेगा. यहाँ पर ये alpha है and it bears only two hydrogen. So, there are two alpha hydrogen. There is three alpha hydrogens and here you have one alpha hydrogen, here you have zero alpha hydrogens, here you have zero alpha hydrogen. Now I will tell you a concept about ESR, that is electrophilic substitution reaction, on the basis of hyperconjugation हम कैसे पता लगाते हैं. Although again what I told you previously also, मतलब कि जो चीज जहां पर आएगी वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेंजीन इज द प्लेस वेयर वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ ग्रेटर डिटेल, बट फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा फास्ट होगी. यदि इस लेवल पे आपको कहीं क्वेश्चन मिला तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे. बेटा आपने यदि इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं. देखिए, बेंजीन रिंग इज अ क्वाइट स्टेबल रिंग,
बेंजीन रिंग पर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो बेंजीन रिंग उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगी। देयर आर 6 एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग व्हिच मेक्स अ एरोमा ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर द रिंग। एक नेगेटिव चार्ज का एरोमा रिंग के ऊपर बना देगा। याद करो कल मैंने आपको क्या बोला था, यदि डबल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो जब एल्कीन का डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा तो यहां तो तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली देयर इज ए एरोमा ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक आभा मंडल होता है नेगेटिव चार्ज का जो बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, दैट नेगेटिव चार्ज सराउंड्स द बेंजीन रिंग। इफ अ न्यूक्लियोफाइल कम्स एंड अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग द न्यूक्लियोफाइल विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द बेंजीन रिंग, देयरफॉर वोंट बी एबल टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। इसलिए न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन जनरली बेंजीन रिंग पे नहीं दिखाएगा। नाउ देन कम्स द इलेक्ट्रोफाइल। ये देख के न्यूक्लियोफाइल के रिपल्शन हो रहा है, मे बी दैट समबडी मे थिंक दैट द बेंजीन रिंग विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमा ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इवन इलेक्ट्रोफाइल भी यही सोचेगा कि बेंजीन रिंग तो मुझसे अच्छा रिएक्शन दिखाएगी क्योंकि बेंजीन रिंग ने न्यूक्लियोफाइल को अभी अभी भगा दिया, यहां से रिपेल कर दिया है और उस पर इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, वो बहुत उम्मीद के साथ बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, बट बेंजीन रिंग विल नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द रिएक्शन। वो किसी प्रकार से नहीं मुस्कुराएगा और वो कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं करने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस। ये तो सिर्फ न्यूट्रल मुस्कुराहट थी। नाउ सी दिस, इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है तो बेंजीन रिंग इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिएक्शन। व्हाई? इट इज बिकॉज इफ इलेक्ट्रोफाइल कम्स टू द बेंजीन रिंग, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यदि उसको चाहिए तो निश्चित रूप से ये पाई बॉन्ड मूव करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये वाला बॉन्ड इधर से मूव करके इलेक्ट्रोफाइल की ओर बढ़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां एक हिडन हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके कई नाम है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलेंड कॉम्प्लेक्स, हेक्साडाइनाइल कॉम्प्लेक्स, मिशन हेमर कॉम्प्लेक्स। वी विल डिस्कस ऑल दीज नेम्स व्हेन वी कम ऑन दिस रिएक्शन। बट अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया देना चाहता हूं कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है। नाउ सी दिस, बेटा दिस रिंग हैज बिकम नाउ नॉन एरोमेटिक। रिमेंबर अ रिंग हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल बी नॉन एरोमेटिक। सो यहां पे क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक रिंग हो गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने प्लेन को छोड़ देगा। अपने प्लेन को छोड़ दिया तो क्या होगा, तो ये रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। पहले रिंग क्या थी, एरोमेटिक थी। अ एरोमेटिक रिंग इज हाईली स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू द नॉन एरोमेटिक रिंग। देयरफॉर यही कारण है कि क्यों बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज एक बार इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्ट किया तो ये बेंजीन रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, विच इज अनस्टेबल कंडीशन। इसलिए बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं करने दे रहा था। पर बेंजीन रिंग तुरंत अपने एरोमेटिक रिएक्शन को रीस्टेब्लिश करना चाहेगा तो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। और यदि वो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करता है तो ऑब्वियसली जो है एक बार फिर से एरोमेटिक रिंग बन जाएगी एंड इलेक्ट्रोफाइल विल बी देयर। सो व्हाट इज हैपेंड, ई प्लस हैज कम एंड एच प्लस हैज गॉन। दिस इज अ केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने इसमें आपको बहुत कम बताया अभी क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, मैंने अभी बहुत कम बातें की आपसे। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे आपको बताना था। नाउ सी दिस बेटा, यदि आप ये समझ गए हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है तो मैं क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि E प्लस आया और H प्लस गया। इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप खुद सोचो कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर ज्यादा अटैक कब करेगा, जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। सिंस द इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उस रिंग की ओर आक्रमण करेगा या उस रिंग की ओर आकर्षित होगा।
Therefore, more the number of alpha hydrogen, more the reactive ring will be. इसलिए जो आपने उत्तर अभी क्वेश्चन लिखा था उसमें 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4. नेक्स्ट क्लास में मैं इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करूंगा ज्यादा डिटेल में और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपको आगे की बातें बताने की कोशिश करूंगा. ये क्वेश्चन अभी विथहोल्ड है, हम इसको कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट हाउ द हाइपर कंजुगेशन विल हेल्प इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. In the last example, see, now if you draw the hyperconjugating structure for this, this sigma bond will break in this direction and this pi bond will move in this direction. What is happening actually, due to hyperconjugation the electron density is moving inside the benzene ring and it creates a kind of negative charge on the ring. So the structure which you will draw will look somewhat like this. यहां पर और यहां पर कोई एरो मार्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो ये ऐसा लगा दे. आप देखें बेटा, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा तो आप ध्यान देना, जब भी कोई बॉन्ड टूट रहा है आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट बॉन्ड मूव कर रहा है. क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्ड मूव कर रहा है तो मैंने क्या किया है, यहां एरो टर्मिनल पोजिशन से शुरू किया है और यहां पाई बॉन्ड बन रहा है तो मैंने एरो लाकर के ठीक सेंटर पे एंड किया. ये एरो यदि मैं यूं बनाता कि इसको लाकर के इधर कर देता तो ये गलत तरीका है. क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है. देयरफॉर ऐसा एरो ड्रॉ करना जो है वो गलत है. आपको क्लियरली एरो द्वारा ये दर्शाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा किस डायरेक्शन में रही है. सो इट इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड, सो इट विल एंड ठीक एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड. नाउ चूंकि ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, ये पूरा पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, तो मैं इसकी टेल को सेंटर से शुरू करूंगा. क्योंकि बॉन्ड इधर से लेकर इधर तक एक्सटेंड कर रहा है तो सेंटर से शुरू करूंगा. क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं तो एरो को एंड करूंगा कहां पे, ठीक इस कार्बन पे आके एंड कर दूंगा. अब इधर दो इलेक्ट्रॉन आए, एक एक्स्ट्रा आया है, वो इलेक्ट्रॉन इधर वाला इधर आ गया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है. आप इसमें देखें, जब आप देखेंगे कि आपने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया या नहीं बनाया, तो इसको देखने का अच्छा तरीका यह है कि आप ये देखें नेट चार्ज दोनों पे सेम है या नहीं. तो आप स्ट्रक्चर पे देखो बेटा, नेट चार्ज सेम है, यस नेट चार्ज इज सेम. यहाँ पे जीरो है नेट चार्ज और यहाँ भी जीरो है नेट चार्ज, यहाँ तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सो नेट चार्ज इज जीरो. दोनों स्ट्रक्चर में नेट चार्ज सेम है. दूसरी चीज जो आप देख सकते हो वो ये देख सकते हो, क्या नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर है. तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर. इधर देखो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 लोन पेयर गिनो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में वो देख लो और आप टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देख लो. इसका सम, इन दोनों का सम सेम होना चाहिए. ये मैं आपको भी लिखा हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए कि किस तरीके से आप देखते हैं कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के सही स्ट्रक्चर है या नहीं है. पर प्रैक्टिस के लिए मैं बात दो तीन बार आपको बताता हूं. तो एक बार अभी मैंने आपको बता दिया, तो यहां पे आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर देखें. यहां पे बॉन्ड पेयर टोटल 13 थे, लोन पेयर 0 था, यहां पे बॉन्ड पेयर टोटल 12 है और लोन पेयर 1 है. नेट चार्ज इसमें 0 है, इसमें भी नेट चार्ज 0 है, मतलब दोनों एक दूसरे के सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिलहाल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर. इसके बाद ये यहां टिकेगा नहीं, ये आगे मूव करेगा, ये इधर से इधर जाएगा. लोन पेयर विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. नाउ बेटा आप चाहे तो कहीं पे लिख लें, लोन पेयर नेवर फॉर्म्स अ लोन पेयर डायरेक्टली. लोन पेयर डायरेक्टली कभी नहीं बनाता. लोन पेयर विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, लोन पेयर विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, लोन पेयर नेवर फॉर्म्स अ लोन पेयर, लोन पेयर विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. अब सोचो यहां जब भी आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर बनाना, वो समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, क्या अप्रोच होनी चाहिए. तो एक सिंपल आप तरीका सोचने की कोशिश करो, बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर,
इस पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, आप खुद सोचो कि कौन सी चीज पहले मूव करेगी। एक बार ये स्ट्रक्चर बन गया तो लोन पेयर पहले मूव करेगा या पाई बॉन्ड पहले मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर पहले मूव करेगा, क्योंकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, पाई बॉन्ड दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन पेयर पहले मूव करेगा। एक बार बेटा लोन पेयर मूव किया तो ये कार्बन पेंटावेलेंट होने लग जाएगा, क्योंकि इस पे एक हिडन हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय ये वाला पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये आपका सवाल ये हो सकता है कि सर लोन पेयर मूव ही क्यों किया। लोन पेयर मूव इसलिए किया क्योंकि लोन पेयर कभी नहीं चाहता कि एक एटम के ऊपर वो धरा रहे। यदि वो एक एटम के ऊपर टिका रहा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर अटैक किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का हो सकता है, ये उसके लिए बुरी स्थिति है। इलेक्ट्रॉन हरदम चाहता है कि वो अपने आप को बड़े एरिया में डिस्पर्स करे, चार्ज डेंसिटी हरदम चाहेगी कि बड़े एरिया पे फैल जाए, यदि फैल सकते हैं तो। नाउ ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगा, ये इधर से इधर मूव कर जाएगा, एंड द न्यू स्ट्रक्चर विच विल फॉर्म विल लुक समवॉट लाइक दिस। बेटा जहां डिस्टरबेंस नहीं है उसको सबसे पहले बनाने, इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई एरो एरो नहीं दिख रहा आपको, ऊपर भी आपको कोई एरो एरो नहीं दिख रहा है, तो इसको आपने जैसा का तैसा बना दिया। अब इसको देखें, इधर पाई बॉन्ड बन रहा है और यहां से ये पाई बॉन्ड मूव करके इस पर आ रहा है। अगेन आप एरोज देखें, ठीक सेंटर से बिगिन हुआ और ये इसके एटम पर सीधा आया, ठीक एटम से बिगिन हुआ सेंटर में आके एंड हुआ, क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। अब फिर से लोन पेयर मूव करेगा और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब ठीक सेंटर पे आके एरो को मैं एंड करूंगा, इधर ठीक सेंटर से एरो शुरू करके ठीक हेड पे आके एरो को एंड करूंगा, और आई विल हैव द न्यूअर स्ट्रक्चर अगेन, जहां पे कोई चेंज नहीं है उसको जैसा का तैसा बना दे। दिस इज सी, दिस इज एच, दिस इज एच, एंड दिस इज एच प्लस। यदि देखें तो इस पर नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा, इस पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, इधर एक बार फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा। नाउ सी अगेन, दिस विल मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, और ये एक बार फिर से बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट जाएगा, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर विच विल बी फॉर्म्ड हियर लुक समवट लाइक दिस, दिस दिस सी एच एच एंड H, और ये कहानी यहां पे एंड नहीं होनी है, क्योंकि अभी तो आपने स्ट्रक्चर सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ देखे हैं, अभी दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन बाकी है, इसलिए स्ट्रक्चर बनते ही जाएंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी फॉर्म, आपको सिर्फ इतने ही बनाने, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आप देखो हाउ दिस ग्रुप हैज हेल्ड, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनसाइड द बेंजीन रिंग, इनसाइड द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है। जितना ज्यादा वो इनसाइड द रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, उतना ही ज्यादा रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और जितनी रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर होगी, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिव होगी। दिस इज वाई जो एग्जाम्पल आपके पास लास्ट में लिखा था, जिसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, दैट विल शो ESR मैक्सिमम, वो वाली रिंग ESR सबसे ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग पे फर्स्ट एग्जांपल में अटैक करेगा, क्योंकि वहां पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मड विल बी मोर, ज्यादा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक होगी रिंग के अंदर, देयरफॉर फर्स्ट एग्जांपल में सबसे ज्यादा ESR का रेट दिखेगा और आखिरी एग्जांपल में सबसे कम ESR का रेट दिखेगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट विल ऑलवेज बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और बच्चे इसमें कंसिस्टेंटली गलती भी करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था इससे पहले जो बोर्ड पे बनाया था, उस क्वेश्चन में 1 > 2 > 3 > 4 आंसर होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिंग एक्टिवेट होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर ज्यादा अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर ज्यादा अटैक इसलिए करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और हाइपर कंजुगेटिंग ग्रुप उसके अंदर प्लस एच ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये प्लस एच मैंने क्या बोला है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप कुछ और भी यहां पर देख सकते हैं। यदि आपने ये स्ट्रक्चर बना लियो तो मैं आपको कुछ और बात भी बताता हूं। बेटा आप लोग ही जानते होंगे ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस क्या होते हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 और 6 पोजीशन, यदि 1 2 3 4 5 6 ले ले तो 1 2 3 4 5 and 6, तो 2 और 6 पोजीशन आर ऑर्थो पोजीशंस, 3 and 5 आर मेटा पोजीशन, एंड 4th इज पैरा पोजीशन।
टू एंड सिक्स आर ऑर्थो, थ्री एंड फाइव आर मेटा, एंड फोर्थ इज पैरा पोजिशन। क्या होता है यहां पे? आप देखें इस हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ड, जब भी नेगेटिव चार्ज आया कहां आया, कहां आया? या तो ऑर्थो पोजिशन पे आया या तो पैरा पोजिशन पे आया। देखें, या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे था, या तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे था, या नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे था। पांचों स्ट्रक्चर देखें, कभी भी नेगेटिव चार्ज मेटा पोजिशन पर नहीं आया। यदि बेटा इलेक्ट्रोफाइल आया इस रिंग पे अटैक करने के लिए, तो ये ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में ढोल रहा है, सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, इसको मैं प्लस एच ग्रुप बोल दूंगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, जैसे प्लस आई ग्रुप था। तो दिस प्लस एच ग्रुप विच ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द सिस्टम हैज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोफाइल। वापस से मेरी बात सुनो बेटा, यदि इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग को अटैक कर रहा है, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो या तो पैरा या तो ऑर्थो पोजिशन पे क्रिएट कर रहा है। देयरफॉर दिस ग्रुप इज डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। सो दिस ग्रुप विल हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। जबकि आप पांचों स्ट्रक्चर को देखें, मेटा पोजिशन पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेटा पोजिशन पे कभी भी चार्ज नहीं आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन हैज नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन। आप पांचवें स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद में ये दो लाइनें हम लिख लेंगे। ओके, आफ्टर दिस यू कैन राइट टू लाइंस। प्लस एच ग्रुप्स मींस दोज ग्रुप्स विच गिव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग और अनसेचुरेटेड सिस्टम, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स बेंजीन रिंग और अनसेचुरेटेड सिस्टम, प्लस एच ग्रुप होते। लिख लें आप वहां पे, प्लस एच ग्रुप हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट फॉर ए इलेक्ट्रोफाइल। प्लस एच ग्रुप हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट फॉर ए इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट लाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन हैज नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजिशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हैज नो इफेक्ट ऑन मेटा पोजिशन। कल मैं आपसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ और बातें, उसके बाद वी विल बिगिन विथ टॉपिक रेजोनेंस।